जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए सरकार पर सदन की आज से कार्यवाही के लिए तयशुदा प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाने के साथ साथ इस प्रस्ताव पर कांग्रेस हाईकमान से भी प्रस्ताव पर पक्ष रखने की मांग की। सदन को चलाने के लिए, हाउस को चलाने के लिए सेट रूल्स है, परंपरा है कि सब मेंबर्स को बिजनेस की एक कॉपी पहले सर्व की जाती है, लेकिन उस बिजनेस में आज का जो बिजनेस था उसमें सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस, जिस पर सब मेंबर्स तैयारी करते हैं, क्योंकि 10 सालों के बाद लोगों के मसले मसाइल ऐवान में असेंबली में उठाने थे, डेवलपमेंट की बात करनी थी, सरकार से 200 यूनिट बिजली की बात करनी थी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, सरकार से 12 सिलेंडर मांगने थे जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, सरकार से 1,00,000 नौकरियों की बात करनी थी, सरकार से 5,000 रुपया पेंशन की बात करनी थी, बजाय उसके सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन आता है और जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, एक तरफ से ये बिजनेस का पार्ट नहीं था और दूसरी तरफ से जो उस रेजोल्यूशन का कंटेंट था, जो इंडिकेट करता था जम्मू कश्मीर में अभी अभी जो सरकार इलेक्ट हुई है उनकी मानसिकता को, ३७० की तरफ इंडिकेट करता था, जिस 370 को देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के मंदिर में हटाया गया। मुझे आज आपके सामने दो सवाल दो पार्टियों को खड़े करने हैं। पहली पार्टी कांग्रेस, देश का प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस अपने स्टांस को, अपने स्टैंड को वाजा करे, क्या वो इस रेजोल्यूशन के समर्थन में हैं, क्या उनके चुने हुए 6 नुमाइंदे आज जो हाथ खड़े कर रहे थे रेजोल्यूशन के समर्थन में, क्या दिल्ली में बैठा इनका नेतृत्व, इनकी लीडरशिप उसको एंडोर्स करती है, वो इस रेजोल्यूशन का समर्थन करती है या विरोध करते हैं, कांग्रेस इसको स्पष्ट करे, आदरणीय राहुल गांधी जी स्पष्ट करे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्पष्ट करे, अगर वो समर्थन करते हैं तो देश की जनता, भारत की जनता इनसे जवाब पूछेगी, भारत की जनता कांग्रेस से पूछेगी, अगर वो समर्थन में नहीं है तो ये 6 मेंबर अगर आप माइनस करते हो तो मुझे लगता है ये रेजोल्यूशन भी माइनॉरिटी में